थैंक यू मैडम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर श्याम गोलो फिर से एक बार आपका इस ट्रेनिंग सेशन में स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ हैं और आप अपने साथ अपने परिवार का यानी घर का परिवार और एमसीएल परिवार दोनों का ख्याल रख रहे हैं। मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग 1 घंटा बहुत अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हो, अपने हार्ट अपने लंग को मजबूत कर रहे हो और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा रहे हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन के साथ। सबसे पहले दोस्तों आप सभी को इस नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये नया साल हम सभी एमसीएल की फैमिली के सभी मेंबर्स डेडिकेट करने वाले हैं हमारी माँ के लिए। ये पूरे साल में हम दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन खड़ा करने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों परिस्थिति ऐसी है, आज परिस्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि इस पूरे दुनिया में ऐसा जीव, ऐसा स्पेसिस जिसको सबसे ज्यादा बुद्धि या सबसे बड़ा ब्रेन जिसके पास है वो है मनुष्य। अगर मनुष्य सबसे बुद्धिमान प्राणी है, सबसे बुद्धिमान जीव है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने साथ अपने घर में रहने वाले बाकी के जो का ख्याल रखे और बेहतर रखे। लेकिन इससे एग्जैक्टली उल्टा आज हो रहा है। इस पूरी दुनिया को, इस पूरे जो का एक ही जो घर है उसको बर्बाद कर रहा है ये मनुष्य। पिछले सिर्फ 200 सालों से जैसे ही उसने इस जीवाश्म ईंधन की शुरुआत की है, उसका इस्तेमाल करना चालू किया है, तब से उसके आंखों के सामने ये तबाही हो रही है और फिर भी हम लोग उसका इस्तेमाल कर रहे जा रहे हैं। और आज ऐसी परिस्थिति में आ चुके हैं कि हर दिन 150 से लेकर 200 इतने जीव इस धरती से हमेशा के लिए लुप्त हो जा रहे हैं, हमेशा के लिए इस घर से निकल जा रहे हैं। और मुझे तो लगता है कि 200 नहीं, 200 से कई ज्यादा होंगे। मनुष्य कैसे तय करेगा 150-200, जबकि उसको सिर्फ 20% इस पूरे सृष्टि के बारे में पता है, इकोसिस्टम में रहने वाले जीवों के बारे में पता है। तो 200 से कई ज्यादा स्पेसीज यानी ह्यूमन, हम जो मनुष्य है ना, हम भी एक स्पेसीज है। हमारे स्पेसीज के अभी 800 करोड़ लोग है इस दुनिया में रह रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि ये स्पेसीज जब कोई लुप्त हो रही है तब उसका एक भी जिंदा कोई मिसाल वहां नहीं है अभी धरती के ऊपर। हर दिन 200 से ज्यादा ऐसी वनस्पति और प्राणी दुनिया के लिए हमेशा निकल जाएंगे और वो कभी नहीं आएंगे। जिन जीवों का इस धरती माने करोड़ों सालों से ख्याल रखा है, उस धरती को इस तरह हम लोग बर्बाद कर रहे हैं। दोस्तों हमेशा जब भी कोई साल बदलता है तब उस साल के आखिरी में हम रिकैप करते हैं। हम देखते हैं कि उस साल के आखिर में दिसंबर में बहुत सारी डिस्कशन होती है कि इस साल में क्रीड़ा क्षेत्र में क्या हुआ, इस साल में मनोरंजन में क्या हुआ, इस साल में आर्थिक क्षेत्र में क्या हुआ, सामाजिक क्षेत्र में क्या हुआ, ऐसे अलग अलग क्षेत्र की हम बात करते हैं, डिस्कस करते हैं, बताते हैं। लेकिन दोस्तों कभी आपने सोचा कि इस साल में ये जो ग्लोबल वार्मिंग पर्यावरण है, इस क्षेत्र में क्या हुआ? हम सोच नहीं सकते इतनी बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हुई इस साल। ऐसे बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं शायद आपने अभी तक सिर्फ मूवी में देखी होगी, लेकिन मूवी में भी आपने कभी देखा नहीं होगा इतनी भयानक दुर्घटनाएं इस साल ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हुई। और ये ऐसी जगह पे हुई, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज है। और तब आपको पता चलेगा कि हमारी जितनी भी टेक्नोलॉजी हम लोग कह रहे हैं ये कुछ भी नहीं इन दुर्घटनाओं के सामने। और जब भी हम देखते हैं दुर्घटनाओं को टीवी पे या मूवी में, तो हमें उनका स्केल नजर आता है, वो इमोशंस नहीं नजर आते। अगर आपने अपने आंखों के सामने अगर ऐसी चीजों को देखा है तो आप महसूस करोगे। अगर आपने अनुभव किया तो आपको पता चलेगा कि लोगों के ऊपर ऐसे बेजुबान जो जानवर है, वनस्पति, उनके ऊपर क्या बीतती है जब ऐसी दुर्घटना होती है दोस्तों। और बहुत दुख की बात यह है कि यही साल, एक तरफ इतनी बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हो रही है, सबसे ज्यादा जो डैमेज डिस्ट्रक्शन हमने इस साल देखा, एट द सेम टाइम जिसकी वजह से सब हो रहा है, हम जितना धुआं प्रदूषण कर रहे हैं उसकी वजह से सब कुछ हो रहा है ना, इस साल सबसे ज्यादा प्रदूषण हमने किया। जिस ईंधन को जलाने की वजह से, इस्तेमाल करने की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उस ईंधन का भी सबसे ज्यादा इस्तेमाल हम लोगों ने किया। इस साल कार्बन डाइऑक्साइड का प्रमाण सबसे ज्यादा था, मीथेन का प्रमाण सबसे ज्यादा था, और जो कुछ इंडिकेटर्स है इस ग्लोबल वार्मिंग के वो सबसे अपने मैक्सिमम
चीजों पे थे। दोस्तों यही चीज है कि आज दुनिया में जितने भी संस्थाएं हैं जो ग्लोबल वार्मिंग में, जो पर्यावरण में इस धरती माँ के लिए काम कर रही है, इन सभी ने इस साल पूरी दुनिया को दिया है रेड अलर्ट। रेड अलर्ट नहीं, एक आखिरी चेतावनी दी है एंड इट इज एक्सट्रीमली सीरियस। आखिरी चेतावनी हमको यूनाइटेड नेशन से लेके हर एक संस्था ने कहा है कि ये आखिरी टाइम है, अगर हमें कुछ कर सकते हैं हमें तो अभी करना होगा, क्योंकि इसके बाद अगर ये फाइनल कॉल में अगर हम लोग जगे नहीं और कुछ किया नहीं तो ये पृथ्वी, ये दुनिया हमेशा के लिए इरिवर्सिबल मोड पे जाएगी। दोस्तों ये पूरी जो परिस्थिति है ना, ये आनी बानी की आपातकालीन परिस्थिति तैयार हुई है। आपको पता है कब इमरजेंसी डिक्लेयर होती है किसी देश में? हमारे देश में भी एक बार हुई थी। किसी भी देश में जब इमरजेंसी डिक्लेयर होती है, आपातकालीन स्थिति डिक्लेयर होती है, तो उसका मतलब यह होता है कि उस देश पे एक तो युद्ध का माहौल होता है, युद्ध होता है उसके देश में, या उस देश में ऐसी कोई नेचुरल ऐसी कुछ बड़ी दुर्घटना होती है जिसके लिए फिर हर नागरिक को कहा जाता है आपको सिर्फ एक ही काम करना है, इस देश को बचाने का। दोस्तों ऐसी आपातकालीन स्थिति आज हमारी पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में ये आपातकालीन परिस्थिति आज हमारे सामने है। हम सबको मिलके इसके लिए काम करना होगा और एक ही तरीका है। ये अब बिजनेस के बारे में, आप भी जब एमसीएल में आए होंगे, हम बिजनेस के बारे में सोचते हैं, प्रोडक्ट के बारे में सोचते हैं, उसको बेचने के बारे में सोचते हैं, ग्रोथ के बारे में सोचते हैं। दोस्तों ये बिजनेस के साथ कंपेरिजन ही नहीं कर सकते हम लोग। ये ऐसी परिस्थिति में इस तरह का आंदोलन हमें करना पड़ेगा कि हर कोई व्यक्ति, हर कोई ग्राहक अगर किसी भी चीजों से, किसी भी तरह के तरीके से अगर फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल कर रहा है तो उसको लगना पड़ेगा कि मैं इस आंदोलन का हिस्सा बनूं। अगर मैं अपने घर में एलपीजी का सिलेंडर भी लगा रहा हूं तो उसको रिप्लेस करके मैं एमसीएल का स्टोव लूं, एमकोल का इस्तेमाल करूं और अपने तरीके से कंट्रीब्यूट करूं। इस तरीके से काम करना होगा, इस तरीके से आंदोलन का निर्माण करना होगा कि जहां हर व्यक्ति को लगे कि मैं इस दुनिया बचाने के लिए, अपनी माँ को बचाने के लिए काम करूं, कॉन्ट्रीब्यूट करूं। और ये जो एमकोल हमने दुनिया के सामने रखा है ना, ये एमकोल कोई प्रोडक्ट नहीं है, ये सॉल्यूशन है, ये एकमेव तरीका है दुनिया को बचाने के लिए। कितने सारे देश है जिनको लगता है कि ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ काम करें, नहीं चाहिए किसी को भी ग्लोबल वार्मिंग, लेकिन उस देश में जो जनता रह रही है, जो लोग रह रहे हैं, आज उनके लिए इलेक्ट्रिसिटी कंपलसरी है, एक घंटा भी आप नहीं रह सकते विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। तो ये इलेक्ट्रिसिटी तैयार करने के लिए दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं उनके पास। और ऐसे समय पे हम जब एमकोल लेके आ रहे हैं तो ये दुनिया बचाने का एक सॉल्यूशन है। हर एक व्यक्ति, हर एक संस्था, कोई भी ग्राहक अगर किसी भी मामले में ये कोयला या कोई भी दूसरा फॉसिल ईंधन का इस्तेमाल कर रहा है तो उसको हम कहेंगे कि ये आपकी कंपल्सन है, ये ऐसा नहीं कि आपकी मर्जी के ऊपर है। आप कहीं भी अगर फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप दुनिया जलाने के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हो। तो अभी ये मर्जी या चॉइस भी नहीं है, ये कंपलसरी हर चीज के लिए। और मैं बाकी के लोग, ग्राहकों को तो हम लोग बताएंगे, मैं आज आपके सामने रखना चाहता हूं, आज हम सभी लोग जो एमकोल के लिए काम कर रहे हैं ना, हम सभी एमसीएल में से जुड़े हुए लाखों हमारे उद्योजक अभी जो एमसीएल एमकोल के लिए काम कर रहे हैं, किसी भी तरीके से प्रेजेंटेशन दे रहे, जमीन के लिए, प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहे हैं, दोस्तों हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप पहले समझिए, ये बहुत बड़ा पुण्य का काम हम लोग कर रहे हैं। आज मुझे, आपको, सबको मिलके ये ऐसा मौका मिला है कि पूरे मानव जाति नहीं, पूरी दुनिया की सेवा करने का मौका ही है। कितने सारे लोग हैं, कितने सारे जो एनजीओ में काम करते हैं, वो एनजीओ में पूरा अपनी पूरी जिंदगी उसमें अर्पण कर देते किसी अच्छे काम के लिए, किसी अच्छे पर्पज के लिए। और सोचिए ये जो विषय है, जिस विषय में हम लोग काम कर रहे हैं, उसमें हजारों एनजीओ काम कर रहे हैं, करोड़ों लोग दिन रात इसके ऊपर मेहनत कर रहे हैं, लेकिन सॉल्यूशन लेके आज एमसीएल एमको लेके आज दुनिया के सामने खड़ी है। और सबसे अच्छी बात है ये है कि ये सभी लोग जो करोड़ों लोग काम करते हैं, उनको तो अपने लिए कुछ चाहिए नहीं होता ना, उनको कुछ मिलता है, लेकिन हम लोग जब ये काम करेंगे तब इसके साथ हम अपने तहसील के लिए 450 से लेकर 500 करोड़ रेवेन्यू का निर्माण करेंगे। हमारे तहसील में 500 करोड़ का हम लोग एमकोल तैयार करेंगे,
और वो 500 करोड़ हम अपने किसानों को, लोगों को कमा के देंगे। और आपको पता है, जब 500 करोड़ हम लोग हर साल कमा के देंगे तो लगभग 5000 करोड़ की इकोनॉमी बनेगी हर तहसील में। क्योंकि जब भी किसी घर में आप 1000 रुपए कमा के देंगे तो उस 1000 में से 100 रुपए वो राशन के लिए खर्च करेगा, 100 रुपए वो कपड़े के लिए खर्च करेगा, और 100 रुपए कुछ घर में जो चीजें लगती है उसके लिए खर्च करेगा, जूतों के लिए खर्च करेगा। तो इस तरीके से अगर 90% हम लोग खर्च करते हैं और 10% ही हम लोग रखते हैं तो 10 गुना इकोनॉमी बढ़ती है। यानी अच्छा काम भी कर रहे और ऊपर से हम ये प्रकृति हमें एक बहुत अच्छा गिफ्ट भी दे रही है। और इसीलिए जरूरी है आज इस प्रोडक्ट को समझना, और आज का सेशन इसीलिए है दोस्तों। प्रोडक्ट बहुत जरूरी होता है किसी भी सेक्टर में। कोई भी कंपनी अगर नंबर वन का काम कर रही है, उसका एक ही काम होता है, उसका एक ही कारण होता है कि उसका प्रोडक्ट उस पूरे सेक्टर में सभी कंपनियों से बेहतर होता है। कोई भी कंपनी सिर्फ मार्केटिंग की वजह से, ब्रांडिंग की वजह से, प्रमोशन की वजह से कभी नंबर वन की कंपनी नहीं बन सकती, कभी ब्रांड नहीं बन सकती। कोई भी कंपनी ब्रांड तभी बनती है जब उसका प्रोडक्ट उनको, कस्टमर को जो चाहिए उसको 100% सेटिस्फाई करो। और जब अगर आप ग्राहकों को संतुष्ट करते हो और जब ग्राहक दूसरे ग्राहकों को बोलता है कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, ये आप इसके लीजिए, तो दोस्तों ये दुनिया का सबसे स्ट्रांग मार्केटिंग है। तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट होता है। और दोस्तों जब एमकोल की बात आती है, एमकोल के बारे में हम हमेशा सोचते हैं कि हमें इस फॉसिल फ्यूल जो है उसको रिप्लेस करना है। हमारा प्रोडक्ट इतना इतना अच्छा है कि कंपैरिजन ही नहीं हो सकता। कोई भी कोयला हो, अंतरासाइट से लेके कोई भी कोयला अगर हो, उसके साथ कंपैरिजन ही नहीं कर सकते। इतना अच्छा, इतना बढ़िया, इतना बेस्ट, सोने जैसा ये हमारा प्रोडक्ट है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमें ये दोनों प्रोडक्ट के कुछ जो गुण है, कैरेक्टरिस्टिक को समझने पड़ेंगे, तब आपको पता चलेगा कि कैसे बेहतर ये अपना प्रोडक्ट है। सबसे पहले समझते हैं कि कोयला ये कैसे बनता है। तो चाहे वो कोयला हो, क्रूड ऑयल हो या नेचुरल गैस हो, ये सभी जो जीवाश्म ईंधन है, फॉसिल फ्यूल है, ये बनते हैं जीव के अश्म से, ये बनते हैं बायोमास से। ये पूरे मृत बायोमास, मृत जीव जब मरने के बाद जब धरती में आते हैं तो अंडर हाई प्रेशर और टेम्परेचर हजारों सालों के बाद फिर उसका कोयला बन जाता है, उसका क्रूड ऑयल बनता है या नेचुरल गैस बनता है, यानी हाइड्रोकार्बन बनते हैं। और दोस्तों कोयले की अगर बात करें तो कोयले के अलग अलग प्रकार। ये कोयला अपने उस फॉर्मेशन स्टेज में कौन से स्टेज पे है, यह पूरी तरह से पक गया है, नहीं पका है, इस तरीके से उसके चार अलग अलग प्रकार है। तो सबसे पहला प्रकार जो है इस कोयले का, जिसको बनने का जो सबसे नया है, जो अभी तक पूरी तरह से पका नहीं, ऐसा भी बोल सकते, उसका नाम है पीट। ये जो कोयला है उसमें कैलोरीफिक वैल्यू बहुत कम होती है क्योंकि उसमें पानी बहुत ज्यादा होता है। तो पानी ज्यादा होता है जिसके वजह से वह जलता भी पूरी तरह से नहीं है, तो राख ज्यादा तैयार करता है, कैलोरीफिक वैल्यू उसकी कम होती है। लेकिन आपको सुन के ताज्जुब होगा कि फिर भी कई सारे जगह पे इस पीट का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा है लिग्नाइट। अभी लिग्नाइट नाम का ये जो कोयला है ये पीट से जरा बेहतर है, उसका जो फॉर्मेशन वो पहले चालू हुआ है, वो इतना यंग नहीं है, तो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू जरा बेटर है पीट से। लेकिन बाकी के दोनों भी जो कोयले है उससे इसका मॉइस्चर ज्यादा है, इसमें पानी ज्यादा होता है, इसमें कार्बन कम है, कैलोरीफिक वैल्यू कम है। और ये भी लिग्नाइट भी जब जलता है ना तब जलता कम है और राख ज्यादा तैयार करता है। और दुख की बात यह है कि हमारे देश में सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल होता है वो लिग्नाइट है। हमारे देश में जितना भी कोयला इस्तेमाल होता है सबसे ज्यादा हम इस्तेमाल कर रहे हैं लिग्नाइट। और यही कारण है कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्रदूषित अगर कोई देश है तो वो है भारत। पूरी दुनिया में जितने भी प्रदूषित शहर है, पहले 20 जो सिटीज है, जो शहर है, उसमें 13 शहर है अगर किसी देश के, तो वो है भारत। आप सोच सकते हैं कि हमारे देश की यह हालत है, और इसका कारण है ये लिग्नाइट। इस लिग्नाइट को जलाने की वजह से इतने प्रदूषण आज हमारे देश में है कि दुनिया में सबसे ज्यादा हवा के प्रदूषण के वजह से जो मौतें होती है, जितने लोग मरते हैं, सबसे ज्यादा मरते भारत में।
उसके आगे है बिटुमिनस। बिटुमिनस एक ऐसा कोयला है जो लिग्नाइट से बेहतर है, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल बिटुमिनस का होता है। इसकी कैलोरीफिक वैल्यू बेटर होती है, मॉइस्चर कम होता है। और नंबर वन बिटुमिनस का और दो प्रकार भी कुछ लोग करते हैं, बिटुमिनस और सब बिटुमिनस। और जो नंबर वन का कोयला है, जो सबसे ज्यादा पका हुआ कोयला है, जिसमें मॉइस्चर कम होता है, कैलोरीफिक वैल्यू बेहतर होती है, उसको कहते हैं एंथ्रासाइट। पूरी दुनिया में जितना भी रिजर्व है कोयले का, ये 1% से रिजर्व है एंथ्रासाइट का। पूरी दुनिया में जितना भी कोयला इस्तेमाल होता है, 10% कोयला इस्तेमाल होता है एंथ्रासाइट का, और मैक्सिमम बिटुमिनस का। इसके आगे भी और एक कोयला है जिसको ग्रेफाइट कहते हैं, और जो पेंसिल में हम लोग लिखने के लिए या किसी इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल होता है। तो ये जो कोयला है या हमारा एमकोल है, अभी ग्राहकों के लिए ये ईंधन है। ग्राहकों के लिए जब इसको ईंधन करके इस्तेमाल करना है तो अलग अलग तरह के ग्राहक है। कोई ग्राहक ऐसा है कि जिसको इलेक्ट्रिसिटी बनानी है, कोई ग्राहक है जिसको स्टील बनाना है, किसी को सीमेंट के लिए चाहिए। तो जब एक ईंधन करके हम इसको देखते हैं तो कुछ इसके वैशिष्ट्य होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, गुण होते हैं, जिसको देख के ग्राहक उसको लेता है, और जो हमें अच्छी तरह से समझने होंगे। सबसे पहले मॉइस्चर, कि इस कोयले में मॉइस्चर कितना है। मॉइस्चर यानी गीलापन, यानी पानी। और हम सभी जानते हैं कि अगर किसी चीज अगर कोई गीली है तो वो बराबर से जलती नहीं है। तो ऐसा कोयला है जिसमें मॉइस्चर ज्यादा है, गीलापन ज्यादा है, तो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू कम होती है, उसका आउटपुट कम होती है। अगर मॉइस्चर कम होता है तो आपका बेहतर कोयला होता है। और हमारे जो एमकोल है, दोनों नॉन टोरीफाइड टोरीफाइड, ये मॉइस्चर की जितने भी परिभाषा है, मॉइस्चर के जितने भी टारगेट्स है, कि स्टील के लिए इतना मॉइस्चर चाहिए, जलाने के लिए इतना मॉइस्चर चाहिए, जो सब कुछ है, उससे सभी इसमें हमारे खरे उतरते हैं। दूसरा ऐश, ये कोयला इस्तेमाल करने के बाद कितनी राख तैयार हो, ये दूसरी क्वालिटी है। क्योंकि राख कैसे तैयार होती है, आपने देखा होगा कि लकड़ी जलाने के बाद वो राख तैयार होती है। तो राख में क्या होता है, कैल्शियम और ऐसे मिनरल्स होते हैं जो जलते ही नहीं है। और ये मिनरल्स कभी कभी अपने पौधों के लिए बहुत अच्छे होते हैं, इसलिए लोग कहते हैं कि राख को अगर आपने खेतों में डाला तो खेत की बेहतर ग्रोथ होगी, और ये सही है। तो केमिकली हम लोग देख सकते हैं कि कितना आपके कोयले में कितना ऐसा पोर्शन है जो जलेगा नहीं और जो राख में कन्वर्ट होगा। दूसरा ऐसा भी है कि कोयले के बारे में, अगर कोयले में बहुत ज्यादा मॉइस्चर है तो भी राख ज्यादा तैयार हो। उसके अलावा नेक, ये जो राख है, ये राख के दो प्रकार है। एक तो जहां कोयला हम लोग रखते हैं और उसको जलाते हैं, उस फर्नेस में, बॉयलर में जो राख तैयार होकर नीचे रहती है उसके कहते हैं बॉटम ऐश, और जो राख तैयार होके उड़ती है उसे कहते हैं फ्लाई ऐश। पहले ये फ्लाई ऐश जो है वो जो चिमनी निकलती है वहां से बाहर निकलती थी, अभी तो उसको पहले उसको निकाल के रखते हैं, बाजू में रखते हैं। लेकिन ये राख भी दोस्तों हर दिन लाखों टनों में ये तैयार होती है, और ये भी हमारे पूरे पर्यावरण सभी चीजों के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है। एमकोल की बात करें तो एमकोल में जो राख का प्रमाण है वो बहुत ही कम है, कार्बन कंटेंट। दोस्तों ये जो भी चीजें जो संसार में जलती है ना, वो जलती है कार्बन की वजह से। ये कोयला भी जलता है कार्बन की वजह से। हम सब जो बने, आप मैं सभी बनते हैं हम लोग कार्बन की वजह से। ये कार्बन जब जलता है, ऑक्सीजन के साथ जलता है और बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगर आपके कोयले में जितना ज्यादा कार्बन उतना अच्छा उसका कैलोरीफिक वैल्यू, उतना अच्छा वो जलेगा, उतना अच्छा ऊर्जा वो देगा। तो आप देखोगे तो पेट में कम से कम कार्बन, फिर बढ़ के वो लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट में बढ़ता है। तो वैसे ही हमारे एमकोल में बहुत अच्छा कार्बन कंटेंट है। सल्फर, अब ये वो चीज है कि जो निगेटिवली देखी जाती है। सल्फर दुनिया को प्रदूषित करने वाला नंबर वन कारण है। सबसे ज्यादा जो बीमारियां होती है वो सल्फर की वजह से होती है। इसलिए देखते हैं कि आपके कोयले में सल्फर है कि नहीं है। अगर कोयले में सल्फर नहीं है तो कोयला बहुत अच्छा, यानी कम है। लेकिन जब भी कोई भी चीज आप फोसाइल जमीन से निकालते हो तो उसमें सल्फर होता ही है, कंपल्सरी। दोस्तों जितने भी इस ईंधन के जो नॉर्म्स है ना, इवन पेट्रोल डीजल के नॉर्म्स है, वो भारत 5 या 6 स्टेज के, यूरो 5 6, ऐसे जो ईंधन के अलग अलग नॉर्म्स है, ये सब होते हैं इस सल्फर की वजह से।
में सल्फर को इस तरह से देखा जाता है और हमारा जो एमकोल है उसमें बिल्कुल सल्फर नहीं है, तो सबसे शुद्ध सबसे अच्छा है एमकोल। दूसरा ऑफकोर्स कैलोरीफिक वैल्यू, यानी आप जो जिस कोयले का इस्तेमाल करोगे उसमें कितनी ऊर्जा तैयार होगी और मैं कितना प्रोडक्शन कर पाऊंगा। अगर मैं पावर प्लांट चला रहा हूं तो मुझे अगर हर दिन 100 मेगावाट बिजली तैयार करनी है, इतने यूनिट तैयार करने, तो मुझे कितना टन कोयला लगेगा। अगर मैं स्टील तैयार कर रहा हूं तो मेरे भी टारगेट्स हैं, मुझे भी इतना स्टील तैयार करना है तो मुझे कितना कोयला लगेगा, और ये सब डिसाइड होता है उस कैलोरीफिक वैल्यू से। तो कोई भी अगर व्यक्ति जब एमकोल की तरफ देखेगा, किसी भी ईंधन की तरफ देखेगा, तो पहले वो देखता है कि कैलोरीफिक वैल्यू क्या है, और बहुत बेहतर हमारी कैलोरीफिक वैल्यू जो आप देखेंगे एमकोल की, इनफैक्ट नॉन टोरीफाइड की भी इतनी ज्यादा है कि वो जो कैलोरीफिक वैल्यू उस वो हम लोग बाहर से मंगाते हैं। ये कोयला जो है वो उसके दो अलग अलग प्रकार भी है। एक ऐसा कोयला जो जिसे थर्मल या स्टीम कोल ऐसा कहा जाता है, जिस कोयले का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ बिजली तैयार करने के लिए या वाफ तैयार करने के लिए किया जाता है, जिसमें मॉइस्चर ज्यादा होता है। और दूसरे तरह का जो कोयला है उसे मेटल इंडस्ट्री में, मेटलर्जिकल एप्लीकेशन में उसका इस्तेमाल किया जाता है। अभी ये जो मेटल है, इस मेटल में बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे काम करना पड़ता है, और वो जो कोयला है जिसमें ज्यादा मॉइस्चर होता है, पानी ज्यादा होता है, वो उस टेम्परेचर तक टिक ही नहीं पाता। ऐसा कोयला जो उस टेम्परेचर पे, जिस टेम्परेचर पे पीक आयन से स्टील का निर्माण होता है, उस टेम्परेचर पे, उस तापमान पे वो कोयला रहना चाहिए, तो उसे कहते हैं कुकिंग कोल। तो इस कोयले को कुकिंग और नॉन कुकिंग ऐसा भी कहते हैं। तो ऐसा कोयला कि जिसमें मॉइस्चर कम है और वो उस टेम्परेचर पे सपोर्ट करता है जिस टेम्परेचर पे स्टील का निर्माण होता है, तो उस टेम्परेचर में ये कोयला कोक में तब्दील होता है, कोक, और फिर कोक के प्रेजेंस में ये स्टील का निर्माण होता है, किसी भी मेटल का निर्माण होता है। तो ऐसे कोयले जो कोक का निर्माण करते हैं उसे कहते हैं कोकिंग कोल, और ऐसा कोयला जिससे कोक का निर्माण नहीं हो सकता उसे कहते हैं नॉन कोकिंग कोल। इसके अलावा गवर्नमेंट का अपना एक कोयले का क्लासिफिकेशन। दोस्तों, ये पूरा जो कोल का बिजनेस है या कोल का पूरा व्यवस्थापन है, ये देखने के लिए हमारे सेंट्रल मिनिस्ट्री में एक पूरा डिपार्टमेंट है जिसे कहते हैं मिनिस्टर ऑफ कोल, और उनके गाइडलाइंस होती है, उनके एसओपीज होते हैं, मार्गदर्शक तत्व होते हैं, सूचना होती है। तो ऐसे ही 4 मार्च 2021 की एक गाइडलाइंस है, एसओपीज है, जो आपको गूगल पे दिखाई देगी, अगर आपको चाहिए तो आप एमसीएल से लीजिए। तो इसमें ये पूरे कोल का कितना क्लासिफिकेशन वगैरह है वो सब दिया हुआ है। तो उनके अनुसार कैलोरीफिक वैल्यू के बेस पे जो कोयले के अलग अलग प्रकार है वो 17 प्रकार है, जिसे G1 से लेके G17 ऐसे कहा है, ऐसे कहते हैं। G1 यानी सबसे अच्छा कोयला, जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू 7000 या उससे ज्यादा है, और G17 यानी सबसे न्यूनतम ऐसा कोयला कि जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू सिर्फ 2200 इतनी है। इसके अलावा जो कुकिंग कोल है, जो स्टील इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है, उसकी भी क्लासिफिकेशन 8 अलग अलग तरह के क्लासिफिकेशन। पहले दो कौन से हैं? तो स्टील ग्रेड कोयला 1, स्टील ग्रेड कोयला 2, अभी ये ऐश कंटेंट के ऊपर है, और बाद में जो बचे हुए 6 है ना, उसे कहते हैं वॉशरी ग्रेड का कोयला, यानी उस कोयले को वॉश करना पड़ता है, फिर बाद में उसे हम अपने फैक्ट्री में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और मुझे कहने में बहुत हर्ष होता है कि हमारा जो नॉन टोरीफाइड कोयला है वो भी स्टील ग्रेड 1 का है। और मैक्सिमम कोल यूज अगर आप देखोगे आप, तो वो तो लिग्नाइट है, जो हम बाहर से मंगाते हैं, इंडोनेशिया या ऑस्ट्रेलिया, मैक्सिमम मंगाने वाला जो कोयला, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू ये 3500 से लेके 4500 इतनी है। ये सभी जो नंबर्स है वो उस बुक में दिए गए हैं। अभी इस एमकोल का रॉ मटेरियल, इसके बारे में समझना भी बहुत जरूरी है। दोस्तों, हमारे देश में ये जो बायोमास ब्रिकेट के लेके जितनी भी फैक्ट्रियां लगी है, उनकी कहानी उस बायोगैस जैसी ही है। कितने सारे बायोगैस के प्लांट लगे अपने देश में, क्यों लगे हैं? तो गीला कचरे के व्यवस्थापन के लिए वो बायोगैस के प्लांट लगे, इसलिए वो ज्यादा कुछ कर नहीं पाते जब ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री की बात होती है। वैसे ही बायोमास ब्रिकेट के जितने भी प्लांट लगे हैं वो इसलिए लगे हैं कि हम खेती करने के बाद जितना भी वो खेती का रेसिड्यू होता है, वो बायोमास निकलता है, वो कचरा भी बोलते हैं लोग,
वो कचरा निकलता है उससे हम ये ब्रिकेट्स बनाए। तो पंजाब हरियाणा में जितने भी प्लांट लगाए तो वहां वहां की जो पराली है वो लेके उससे वो ब्रिकेट्स बना रहे। गुजरात में जितने प्लांट लगाए वहां मूंगफली का जो बचा हुआ बायोमास होता है उससे बनाता है। महाराष्ट्र में कॉटन का जो बायोमास बचता है उससे हम लोग बायोमास ब्रिकेट बनाते हैं। साउथ में कहीं जाओगे तो आप राइस से जो बचता है बायोमास उससे बायोमास ब्रिकेट बनाते हैं। तो ये हुई एक परिस्थिति। लेकिन अभी दूसरे ग्राहकों की तरफ से इसको देखिए आप। ग्राहक आपका बहुत बड़ा प्लांट है, पावर प्लांट है, आपका स्टील का प्लांट है, आपकी सीमेंट की फैक्ट्री है, आपके जितने भी बड़े बड़े मशीनरीज है, अभी उस सभी मशीनरीज की, आपकी सभी प्रोसेस की कोई ना कोई रिक्वायरमेंट है, स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है। तो आपको जब भी ये चीज चाहिए, जब भी आपको ये बायोकोल बोलते हैं, इसे बायोमास ब्रिकेट बोलते हैं, व्हाइट कोल बोलते हैं, जब आपको ये चाहिए और ऊपर से अगर गवर्नमेंट ने पूरा 5% 7% उसमें कानून भी किया है कि आपको 10% तक उसको इस्तेमाल करना है, लेकिन जब ग्राहकों को ये चाहिए तब उसमें यूनिफॉर्मिटी जो चाहिए वो नहीं होती। बहुत बार मुझे अपने प्लांट में डालने के लिए जो एक्चुअली जिसकी इतनी कैलोरीफिक वैल्यू है, जिसका इतना मॉइस्चर है, ऐश कंटेंट है, होलाटाइल मैटर से, ये सब चीजें वैसे यूनिफॉर्म चाहिए वो नहीं मिलते। और जिससे अगर मैं लूं आज वो इससे बना रहा है, कल बनेगा कि नहीं वो पता नहीं, क्योंकि बायोमास मिलेगा कि नहीं वो पता नहीं। और बहुत सारी जगह पे अगर आप देखोगे तो एक बायोमास से नहीं बनता, कितने सारे प्लांट आप सभी ने देखे भी है। तो उसमें क्या होता है, थोड़ा सा ये लिया, थोड़ा सा वो लिया, बाद में वो लिया, और वो करके फिर अपना वो बायोमास ब्रिकेट बनाते। तो ऐसे तरीके से फिर कस्टमर क्या करेगा आप मुझे बताइए। कस्टमर ये कानून एक तरफ है, कस्टमर को भी चाहिए तैयार करे, उसको अच्छी तरह से उसका इस्तेमाल करे और इस ग्लोबल वार्मिंग रोकने में उसकी मदद करे। लेकिन अगर उसे अच्छा प्रोडक्ट ही नहीं मिल रहा है तो कैसे उसको इतनी बड़े स्केल पे उसका इस्तेमाल करे, आप बताइए। और दूसरा क्या होता है, बाइंडिंग मटेरियल। ये सभी जो बनता है ना, ये बायोमास जो वो ड्राई बायोमास से बनता है। अभी ड्राई मास को, ड्राई इस बायोमास को एक छोटे 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 एकदम छोटे छोटे टुकड़े ग्रैन्यूल्स किए जाते हैं और बाद में उस पूरे ग्रैन्यूल्स को कॉम्पैक्ट करके फिर उससे ईटे बनाई जाती है, कोल बनाया जाता है। अभी आप सब बहुत जगह पे ना केमिकल्स का भी इस्तेमाल होता है, यानी इन जो ये जो ग्रैन्यूल छोटे छोटे हमने ग्रैन्यूल्स बनाए हैं उसको चिपकाने के लिए, गोंद के लिए केमिकल्स का इस्तेमाल होता है, जो केमिकल्स अपने फैक्ट्री में जो मशीनरी उसको खराब कर सकते हैं। ऑफकोर्स कई जगह वो राइस गोबर इसका भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये आप गोंद करके कौन सा बाइंडिंग मटेरियल इस्तेमाल करके ये भी बहुत जरूरी होता है, जिसकी वजह से हम इंडस्ट्री में उसको रिप्लेस नहीं कर सकते। और ये सभी जो प्रॉब्लम वो सॉल्व किए हैं एमसीएल ने ना। एमसीएल का रॉ मटेरियल पूरी तरह से स्टैंडर्डाइज है। हम एमकोल में ओडिशा में तैयार करें, एमकोल को राजस्थान में तैयार करें, कर्नाटक में तैयार करेंगे, जहां भी तैयार करें आप, तो हमारा रॉ मटेरियल एकदम स्टैंडर्डाइज है। हम बता सकते हैं कि हमारा जो एमकोल बना है वो 1, 2, 3, 4 इन सभी जो कैरेक्टरिस्टिक्स से बना हुआ, जो हमारा रॉ मटेरियल है उससे बना हुआ है। यहां तक के आपने जब भी एमकोल के बारे में स्पेसिफिकेशन अगर मांगा होगा और अगर हमने आपको दिया है तो सबसे पहले ये चार्ट है, उसमें सबसे पहले ये बताया हमने लोगों को कि हमारा बेस मटेरियल क्या है, कि हम नेपियर ग्रास से बना रहे हैं, उसकी लेंथ इतनी है, डायमीटर उतनी है, मॉइस्चर कंटेंट ऐसा है, इस तरीके का हम लोग उसके बना के कस्टमर को दे रहे हैं। और सबसे अच्छी बात है कि हमें बाइंडिंग मटेरियल नहीं लगता। इस नेपियर ग्रास में जो गोंद की जरूरत होती है इसमें इनबिल्ट लिग्निन बहुत ज्यादा है, तो अपने आप कोई एक्स्ट्रा किसी भी गोंद की या बाइंडिंग मटेरियल की जरूरत नहीं होती। और सल्फर कंटेंट, यानी जिस सल्फर के ऊपर पूरी दुनिया के फ्यूल के नॉर्म्स है, फ्यूल का कैटेगराइजेशन है, वो सल्फर है ही नहीं नेपियर में। अगर नेपियर में ही सल्फर नहीं है तो हमारे एमकोल में कैसा आएगा सल्फर। और इसलिए अगर आप देखोगे कि एमकोल के बाद जब हम लोग इसको इस्तेमाल करेंगे और जो भी धुआं आएगा, ऑफ कोर्स वो धुआं हमारे नेपियर का तो सोख लेगा, जरा भी उससे प्रदूषण और जो भी हमें खांसी आती है या तकलीफ होती है आज की हवा से वो नहीं होगी, क्योंकि उसमें सल्फर ही नहीं है। आप इस सभी रॉ मटेरियल के डिस्क्रिप्शन, एक सिंपल वो चार्ट है, उसको अच्छी तरह से याद रखना है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं, कितना मॉइस्चर है, कितना सॉलिड कंटेंट है, कितने चीजें हैं, वो सब आपको याद करनी है। अब इस एमकोल के टाइप्स है,
अभी एमकोल के दो टाइप्स हमने बनाए, एक नॉन टोरीफाइड भी बनाया और टोरीफाइड भी बनाया। क्यों? क्योंकि कस्टमर को लगता है, जो कस्टमर है आज कैसे देखे, अब जो बड़े बड़े प्लांट्स है उनका एक बजट होता है रॉ मटेरियल के लिए, कोयले के लिए। अब ये सभी जो बजट है ना, ये सभी बजट होता है टन के ऊपर, कि अगर ये प्लांट चल रहा है उसमें इतना स्टील हमें तैयार करना है साल का, या इतनी बिजली तैयार करनी है, तो हमें इतना टन कोयला लगने वाला है। अभी वो टन के हिसाब से उनका जो कोयला है तो उस प्राइस के ब्रैकेट में हमारे नॉन टोरीफाइड आता है, और लेकिन और उसको कैलोरीफिक वैल्यू भी बहुत बेहतर देते हैं। या अगर किसी स्टील को चाहिए, स्टील और मेटल के इंडस्ट्री का, तो ये टोरीफाइड बहुत ही जबरदस्त ऐसा सॉल्यूशन है। हमें परदेश में जब देना है, एक्सपोर्ट करना है, तब टोरीफाइड इज द सॉल्यूशन। तो दोनों तरह के हमारे ये जो प्रकार है एमकोल है, नॉन टोरीफाइड, टोरीफाइड, और दोनों को हम एमकोल ही कहेंगे, एमकोल ही कहेंगे, एमकोल टोरीफाइड, एमकोल नॉन टोरीफाइड। ये लोग आपको पूछेंगे कि आप जो एमकोल देंगे इसका फिजिकल डायमेंशन क्या है, इसकी लेंथ कितनी है, विथ कितनी है, डायमीटर कितना है, ये आपको पूछेंगे। तो आपको उनको पूछना है कि आपको क्या चाहिए। आपको छोटे सी बुलेट साइज ऐसी प्लेट चाहिए, उस साइज का चाहिए, या बड़ा ऐसा चाहिए जो आधे किलो का एक एमकोल हो, क्या चाहिए आपको? क्योंकि प्रोसेस ये है दोस्तों कि पूरा जो प्रोसेस है 99% सेम है, रॉ मटेरियल सेम है, वो चार पांच प्रक्रिया से जब आता है वो सेम है, आखिरी जो डाय है, डाय वो हम लोग बदल सकते हैं। कस्टमर को जिस तरह का एमकोल चाहिए, जिस फिजिकल डायमेंशन का एमकोल चाहिए, वो हम लोग तैयार कर सकते हैं, करके दे सकते हैं उसे। कैलोरीफिक वैल्यू कितनी है, तो नॉन टोरीफाइड की 4000 से लेकर 4500 है, टोरीफाइड की 5500 से लेकर 7000 है, ये सब उस चार्ट में है। मॉइस्चर कंटेंट हमारे बहुत कम है जो उनको चाहिए उससे। एश कंटेंट, एश कंटेंट के बारे में जितने भी मानक है गुणवत्ता के, उससे कम एश तैयार होती है हमारे इस एमकोल से। कार्बन कंटेंट भी हमारे इस एमकोल में बहुत बेहतर है, जो इस्तेमाल आज हो रहा है, आप बाहर से भी जो मंगा रहे 30%, क्योंकि बहुत ज्यादा तो लिग्नाइट इस्तेमाल करते हैं हम लोग, बाहर से जो मंगा रहे आज इंडोनेशिया से, कुछ मंगाने की जरूरत नहीं। इसमें वोलेटाइल मैटर कितना है, अब ये टेस्ट होती है कि आप डाल के देख सकते हो कि इसमें वोलेटाइल मैटर कितना है। तो ये सभी जो ग्राहकों को चाहिए उससे बहुत बेहतर हमारा एमकोल है। लेकिन आपको पूछेंगे, ठीक है, आपने ये चार्ट दिया, आपने बताया कि इसमें ये सब कुछ है, लेकिन कैसे प्रूव करोगे आप कि कहा है वो रिपोर्ट कि जिसमें बताएंगे कि एमकोल में इतना ये सब कुछ है करके? तो दोस्तों मैं आपको बताऊं कि जो भी हम डिस्पैच करेंगे, जो भी बैच तैयार करेंगे एमकोल का, हर बैच के साथ हमारे फैक्ट्री में जो लैब तैयार होगी, लैब है हर फैक्ट्री में, तो हर बैच का हम ये पूरा डिस्क्रिप्शन करेंगे, टेस्ट करेंगे, सब लैब टेस्ट करेंगे, और हर कंसाइनमेंट के साथ, हर डिस्पैच के साथ ये जो फॉर्म आपको दिख रहा है, ये फॉर्म रहेगा कि हम ये जो एमकोल आपको दे रहे हैं इसमें ये पूरी जांच की हुई है, और इसकी ये सब टेस्टिंग करके ये सब उसकी कैरेक्टरिस्टिक है, ये सब उसके गुण है। अगर उसने कहा कि नहीं मुझे तो इंडिपेंडेंटली देखना है, आपने तो अपने तरीके से लिख के दिया है, तो कई सारे गवर्नमेंट के लैब्स है, कहीं भी जाकर ये एमकोल को हम लोग उसका रिपोर्ट कर सकते हैं, उसकी जांच करवा सकते हैं और उसका रिपोर्ट उनको दे सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ट्रांसपोर्टेशन, तो दोस्तों ये जो भी रेट से हम कस्टमर को ये कोयला एमकोल देंगे तो वो इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन रहे। पावर प्लांट को शायद हम लोग मध्य प्रदेश से कुछ माल भेजे, कर्नाटक से भेजे, गुजरात से भेजे, तो इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन रहेगा हमेशा, और इस पे GST 5% है। इसके अलावा डॉक्यूमेंटेशन, यानी जब भी आप जाओगे तब आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स लगेंगे ये लोगों को प्रमोट करने के लिए, बताने के लिए इसके बारे में, तो सबसे पहले इसका एक बहुत ही खूबसूरत ऐसा ब्रोशर बना हुआ है 8 पेजेस का, जो ब्रोशर आप सभी ले लीजिएगा। दूसरा, इसके साथ एक इंट्रो लेटर है, जब भी, क्योंकि ये जो बहुत बड़ी बड़ी संस्था है, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स है, और वो बहुत बड़ी मात्रा में कोयले का इस्तेमाल करते हैं, तो बड़े कोई कॉर्पोरेट हो या कोई भी सिंपल साधा अपना वेंडर हो या कोई भी हो, घरेलू भी कोई आदि पर्सन हो, तो उसको एक देने के लिए एक बहुत खूबसूरत एक ही पेज का अपना इंट्रो लेटर है, वो आप ले लीजिएगा। बाद में एमकोल का फ्यूल सर्वे फॉर्मेट है एक पेज का, कोई भी कस्टमर आज की तारीख में क्या क्या ईंधन इस्तेमाल कर रहा है, सिर्फ कोयला ही नहीं, जितने भी ईंधन इस्तेमाल कर रहा है उसका एक सिंपल सिंगल फॉर्म है, वो भी आप ले लीजिएगा।
बाद में एमकोर का प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन ऑफ कोर्स, तो 3 पेज का है, तो उसमें किस बेस मटेरियल से हम लोग बना रहे हैं, क्या अलग प्रोडक्ट है, और हर जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक है उसका डिस्क्रिप्शन भी हमने दिया हुआ है। उसके अलावा हम अपनी क्वालिटी को कैसे रखते हैं, कैसे डिलीवरी डिस्पैच के हमारे गाइडलाइंस है, उसका भी डॉक्यूमेंट है, वो आप ले लीजिएगा। एंड ऑफ कोर्स प्रेजेंटेशन, क्योंकि ये सभी जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ ऐसा नहीं होगा कि एक जगह पे आप जाओगे और वो इमिजिएटली वो आपको ऑर्डर दे देगा। हो सकता है कि आपको प्रॉपर उस बोर्ड के सामने, लोगों के सामने प्रेजेंटेशन करना पड़े, तो वो पूरा जो प्रेजेंटेशन की पीपीटी है वो भी तैयार है, जो हम आपके साथ शेयर करेंगे। और इस पीपीटी के साथ, मैंने आपको ये पीपीटी सामने, मैंने खुद प्रेजेंट की है आपके साथ, आपके सामने, तो आप ये प्रेजेंटेशन पीपीटी तो लेंगे, लेकिन हर उस स्लाइड के साथ क्या बोलना है ये अगर आपको चाहिए तो वो आप वीडियो भी ले लीजिए, कि जिसमें हर स्लाइड के साथ क्या डिस्क्रिप्शन देना है, क्या बोलना है, वो भी आपको मिलेगा। इसके अलावा लेटर ऑफ इंटेंट, यानी कोई भी जब ऑर्डर देगा, ये हमें इस्तेमाल करने वाले करना चाहते हैं, तो ये भी है, उसका भी फॉर्मेट है। और उसके बाद ऑफ कोर्स ये डिस्पैच फॉर्मेट, जो हम हर कंसाइनमेंट के साथ, हर हमारे एमकोल के बैच के साथ इसको देंगे। रेट क्या है, क्या रेट के गाइडलाइन है, तो दोस्तों जो भी नॉन टोरीफाइड हमारा एमकोल है उसका रेट है 15 रुपए किलो, जो टोरीफाइड हमारा कोयला है उसका रेट है 25 रुपए किलो। लेकिन अभी एक अच्छी खुशखबरी यह है कि 26 जनवरी 2023 तक, जिस दिन हम अपनी फैक्ट्री का इनॉग्रेशन करेंगे, तब तक कोई भी एक कंडीशनल एलॉय, यानी उसकी जो कुछ कंडीशन है वो लिख के अगर कोई ऑर्डर भी देता है तो उसको 20% छूट देंगे हम लोग। 20% कभी भी ईंधन में कोई भी छूट नहीं मिलती, 1% भी नहीं मिलती। अगर आपको ईंधन चाहिए होता है तो आपका एलसी हमारे पास होता है, इस तरह का व्यवहार पूरी दुनिया में होता है। लेकिन हम इन सभी जो भी ग्राहक आज की तारीख में एलॉय देंगे उनको हम 20% छूट देंगे, यानी 15 रुपए का जो कोयला हुआ, 12 रुपए में हम लोग उनसे एलॉय करेंगे, और जो 25 का है वो 20 में। ये 26 जनवरी 2023 तक है, और ये रेट जब से डिलीवरी चालू होगा उसके आगे 6 महीना उसमें से वैलिड रहेंगे, कम से कम 6 महीना वो उसी रेट को हम उनको देंगे। और कब शुरू होंगे आपकी ये डिलीवरी, तो दोस्तों अभी जितनी भी फैक्ट्रियां हम लगा रहे हैं 26 जनवरी को, उसके सभी प्रोडक्ट्स के ऑर्डर ऑलरेडी तैयार है, ऐसा समझे कि वो पूरा जो माल है वो ऑलरेडी बुक्ड है। तो जब कोई भी नया एलओआई आएगा, कोई नई ऑर्डर आएगी, तो उनको बताइए कि 6 से 9 महीने लगेंगे मिनिमम, और इस 9 महीने क्यों लगेंगे ये भी बताइए आप। ये हमारे, हम माइनिंग तो नहीं कर रहे हैं, बहुत बड़ा ब्लास्ट करके निकालेंगे और आपको देंगे, ऐसा नहीं कर रहे हैं। हम प्रॉपरली उसकी खेती करके उससे एमकोल तैयार करेंगे और आपको देंगे, तो जानते हैं सब लोग, तो 6 to 9 month की डिलीवरी टाइम। उसके अलावा कंडीशनल एलॉय भी समझना बहुत जरूरी है। कंडीशनल एलॉय देखो अभी क्या है, मैं आपको बोलता हूं, ये जो सेक्टर हम लोग तैयार कर रहे हैं ना, ये हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि लोगों को पता नहीं प्रोडक्ट के बारे में, लोगों को पता नहीं कि बायोमास ब्रिकेट कैसी बनती है, टोरी फिक्शन का कैसे होता है, या व्हाइट कोल, ये सब कुछ, सब कुछ सब लोगों को पता है। लेकिन आज तक पूरी दुनिया में कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है ना जिसने ऐसा सोचा है कि हम इस तरह का इसको निर्माण करेंगे, ये फॉसिल फ्यूल को पूरी तरह से रिप्लेस करेंगे, किसी ने नहीं किया। पूरी दुनिया में कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जिसके साथ लाखों किसान है और सब इतने बड़े स्केल पे इसका इसको सोच रही है, इतने बड़े स्केल पे सब काम कर रही है, किसी ने नहीं किया अभी तक। बायोमास तो दुनिया हजारों सालों से इस्तेमाल कर रही है, लेकिन आज इस फॉसिल फ्यूल की वजह से जो प्रॉब्लम, जो संकट में है, इसको सॉल्व करने करेंगे और इस लेवल का, इस स्केल के ऊपर ऐसा काम करेंगे, ये किसी ने भी आज तक किया नहीं। तो ये पूरी तरह से नया सेक्टर है जो हम लोग डेवलप कर रहे हैं। कई सारे ऐसे इसमें चीजें इसमें ऐसी आने वाली है कि जो हमेशा एकदम से नहीं होगी, पहली बार करेंगे हम लोग। तो आज जब आप कस्टमर के पास भी जाओगे तो उसको, वो भी बहुत सारे अचंभित होंगे, उनके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है, एक बहुत अच्छा आनंददायी ऐसा शॉक है, ऐसा मैं बोलूंगा, क्योंकि उन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि जो 5% 2% भी ब्लेंडिंग नहीं कर पाते हैं, ऐसी कोई कंपनी तैयार हो रही है जो हमें, जिसने रॉ मटेरियल का ख्याल रखा है, प्रोडक्ट का ख्याल रखा है, सर्विसिंग का ख्याल रखा है, पूरा कस्टमर का, और इतने बड़े स्केल पे। तो कस्टमर के लिए भी एक बहुत अच्छी और एकदम शॉकिंग ऐसी न्यूज़ है, चीजें है, तो हो सकता है कई सारी चीजें वो आपको बोले,
तो ठीक है, एक्सेप्ट कर लिए, क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, पहली बात तो ये पूछेंगे कि आप एक्चुअली देंगे कंटिन्यूअस अनइंटरप्टेड सप्लाई देंगे आप? हमारा ऑर्गेनाइजेशन को 3,000 टन हर दिन लगता है, 2,000 टन लगता है, 2,000-3,000 टन हर दिन हमारे ऑर्गेनाइजेशन को, कंपनी को देंगे क्या आप? तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे गांव में, हमारे भारत में जितने भी गांव है, 2.5 लाख ग्राम पंचायत है, हर ग्राम पंचायत में हमें हमें आईएमकुल का प्रोजेक्ट लगाना है, तब जाके हम लोग दुनिया के लिए उतना कर पाएंगे जितना हमें करना है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ एमकुल ही लगना, हमको सिर्फ 20%, जैसा आपको मालूम होगा कि हर ग्राम पंचायत में जितनी भी खेती है 20% जमीन की बात कर रहा हूं, बाकी की हाँ तो हम लोग वही जो खाना पीना सब तैयार कर वही करेंगे। तो हम इतना कर रहे, तो दुनिया के 30% की बात करें तो जो भी आज हमें ऑर्डर देगा हम ख्याल रखेंगे उसको हमेशा कंटिन्यूस सप्लाई करें, क्योंकि इसमें ऐसी चीज होती है कि अगर हमने सप्लाई नहीं किया तो हमें पेनल्टी मिलती है उसकी, ऐसा मार्केट है। सैंपल चाहिए तो जैसे अभी प्रोडक्शन जिन्होंने जिन्होंने अभी एलओए दिया है उसको जल्दी से हम लोग सैंपल विद लैब रिपोर्ट देंगे, ये देखो ये सैंपल लीजिए, लैब रिपोर्ट लीजिए और चालू कीजिए। और उनको दूसरी भी कोई कंडीशन होगी, टर्म होगी, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि ऐसा कुछ हो सकता है करके। कोई भी इंडस्ट्री अगर उनका 3,000-5,000 टन उनको लगता है हर दिन, आपको 100 टन ही देंगे इनिशियली ऑर्डर, और उसमें कई सारी चीजें होगी, आपका ये अगर नहीं हुआ तो वो नहीं हुआ तो ठीक है, सब एक्सेप्ट कर लेंगे हम लोग, क्योंकि वो डरते कि सच में आप देंगे कि नहीं, और हम लोग कंडीशन एलोय करेंगे उनसे साथ। ये सब कंडीशन आप उसमें डालिए और बस आप चिंता मत करिए, वो हम संभालेंगे, ऐसा काम करना है। और दोस्तों इस साल जब मैं कहता हूं कि हमें एमसीएल का मूवमेंट करना है, बहुत बड़ा आंदोलन करना है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं कि हमें भी रास्ते पे जाना है, नारे लगाने हैं, वो सब काम करना है, बिल्कुल नहीं। हमारे लिए मूवमेंट, हमारे लिए आंदोलन का मतलब एक ही है और वो है मैक्सिमम बिजनेस। जहां जहां ये फॉसिल फ्यूल, जहां जहां ये कोयला इस्तेमाल हो रहा है उसको पूरी तरह से रिप्लेस करें हमारे किसानों ने बनाए हुए कोयले के साथ, बस ये हमारा आंदोलन। और मैं जब बोलता हूं तो सिर्फ ऐसा नहीं कि जहां कोयला लोग सोचते हैं वहां, जितने भी जहां जहां जगह पे आज एमकुल इस्तेमाल हो सकता है, जहां जहां से हम इस फसल फ्यूल को हमेशा के लिए एलिमिनेट कर सकते हैं, ऐसे जगह में वो काम करना, मैक्सिमम एमकुल को देना, ये है हमारा आंदोलन। तो आज जितने भी फसल फ्यूल के, आई मीन इस जीवाश्म कोल के, कोयले के जितने भी कंपनियां है, पावर प्लांट्स है, स्टील प्लांट्स है, सीमेंट्स है, बहुत बड़ी मात्रा में इसका इस्तेमाल होता है, हर जगह इस एमकोल को लेके हमें उसको रिप्लेस करना है। और नहीं होगा, पहली बार अगर आप जाओगे ना तो वो शायद सोचेंगे, बार बार जाएंगे, बार बार जाएंगे, 2-4-3 जगह, जितनी सारी जगह पे जाना पड़े उतना जाएंगे और ये करेंगे, क्योंकि इसका एक जो ऑर्डर है, और वो ऐसा भी हो सकता है कि 3,000 टन का ऑर्डर लेकिन देंगे आपको इनिशियली 100 टन की, 200 टन की पर डे की, लेकिन उस 100 टन की जो ऑर्डर है ना वो एक्चुअली 3,000 टन की ऑर्डर है। ये एक जो ऑर्डर है इसके वजह से आप दुनिया के लिए एक बहुत अच्छा काम तो करोगे, इस धरती माता के लिए हमारा जो कर्तव्य वो तो करोगे, लेकिन आप आने वाली जिंदगी में पैसों के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ेगा आपको, इतना अच्छा पैसा उससे मिलेगा, और वो हमेशा के लिए, ये जीवनावश्यक वस्तु है, आप समझिए, ये कंपल्सरी, ये कंपल्सरी चीज है जो लगती है, हर दिन लगती है और हमेशा के लिए लगेगी। इनफैक्ट आज अगर 10 टन का भी आपने अगर ऑर्डर लिया और ये हर टन के पीछे अगर आपको 200-300-400 रुपए मिल रहे हैं, तो 10 टन के ऊपर बनते हैं 3,000 रुपए हर दिन के, जो महीने के बनते हैं 90,000 रुपए। दोस्तों इसके अलावा ऐसे कई क्षेत्र है जहां एमकोल को हमें उस फॉसिल फ्यूल को रिप्लेस करना है, उसमें से एक है एलपीजी, चाहे वो घरेलू एलपीजी हो, हॉस्पिटल का हो, होटल का हो, किसी बड़े रेस्टोरेंट का हो, हर जगह एलपीजी को हम लोग, हमें 100% रिप्लेस करना है। और सोचिए जब इस बिजनेस में आप उतरे हो, आप हम लोग कर रहे हैं, तो इट इज लाइक कोई गैस एजेंसी मिलती है ना, वैसी एजेंसी आपके पास है अभी, क्योंकि उस व्यक्ति को, उस घर को, इस घर से लेके कमर्शियल प्लेसेस तक आपको उस एमसीएल का स्टोव भी देना है, आपको हमेशा के लिए उसको एमकोल फ्यूल देना है, और कोई भी लेगा ना, देखो जो आज की तारीख में जो घरेलू अपना एलपीजी है वो 71 रुपए का है, 70 रुपए 40 पैसे से ज्यादा मिनिमम, तो 71 रुपए से अगर आप 15 रुपए का अगर उसको एमकोल दे रहे तो कौन नहीं लेगा, मुझे बताइए आप, ना उसका कभी स्पोर्ट होगा, ना कुछ होगा, कुछ भी नहीं।
तो प्रॉपर गैस एजेंसी जैसा काम है और हर सर्विस आप ही देने वाले, तो वैसा काम करना है। फर्नेस ऑयल ये दुनिया का बहुत बड़ा शत्रु है, आपको पता नहीं लेकिन बहुत सारे कंपनियां इंडस्ट्रीज ये डीजल को अफोर्ड नहीं कर पाते, आपको पता है डीजल कितना हो गया। तो ये 35-40-42 रुपए का अभी जो फर्नेस ऑयल है ये बहुत बड़ी क्वांटिटी में आज इस्तेमाल होता है, और ये फर्नेस ऑयल यानी सबसे गंदा फ्यूल है। कभी भी जब फर्नेस ऑयल के बड़े बड़े टैंक्स होते हैं इंडस्ट्री में जाइए आप देखिए, तो नीचे तो 5-6 फीट तो आपको सिर्फ कचरा नजर आएगा इतना बड़ा। उसको जलाने के बाद, फर्नेस ऑयल को जलाने के बाद जितना धुआं होता है उसको आप देखिए, डामर से जरा नीचे ऐसा ही है, डामर जैसे जलता है इतना काला धुआं करता है, डामर से थोड़ा सा कम होता है फर्नेस ऑयल। लेकिन आज के तारीख में जहां जहां फर्नेस ऑयल इस्तेमाल हो रहा है उसको 100% रिप्लेस कर सकते हैं हम लोग एमकोल के साथ। और 40 रुपए का 45 रुपए का अगर वो एफओ फर्नेस ऑयल खरीद रहे हैं और उसको हम लोग 15-20 रुपए का अगर सोल्यूशन दे रहे हैं, तो अगर उस व्यवस्था को लगाने के लिए अगर उनके कुछ पैसे लग रहे हैं किसी इंडस्ट्री के, तो वो पैसे उनके 1 साल में 1.5 साल में आने वाले हैं वापस। और ये भी काम आप ही करेंगे दोस्तों। एलडीओ भी कई सारे जगह पे डीजल क्या मेरी स्क्रीन दिख रही है लवे सर राजकुमार? यस सर। ओके ओके ठीक है। तो ये सभी डीजी सेट्स जो आज की तारीख में डीजल के ऊपर चल रहे हैं उसको 100% हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं हमारे एमकोल के साथ, और सोचिए कितनी कॉस्ट सेविंग करेंगे हम कस्टमर के लिए। तो एक सबसे अच्छी बात यह है ना कि जब जब आप एमकोल को प्रमोट करेंगे किसी के पास, तो आप बहुत सारा पैसा उनका सेव करेंगे इस फ्यूल के अंदर। इसके अलावा कई सारे जगहों पे भारत में बाहर छोटे बड़े ऐसे कैप्टिव पावर प्लांट्स हैं, खुद के ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो खुद बनाते हैं, उसके पूरे सिस्टम से ऐसे जो चल रहा है इस एफओ के ऊपर, एलडीओ के ऊपर, नेचुरल गैस के ऊपर, और इनसे सबसे सस्ता और सबसे अच्छा वो एमकोल है। इसको 100% रिप्लेस कर सकते हैं। आज ऊपर से भी बहुत सारा प्रेशर है, बहुत सारे लोगों को लगता भी है कि वो रिप्लेस करें लेकिन उनके पास सोल्यूशन नहीं है, और सोल्यूशन है एमकोल। दोस्तों एमकोल गैसिफायर आने वाले दिनों में आप ऐसे प्रोजेक्ट लगा हुए, मैं आपको बोलता हूँ आपका रोल क्या होने वाला है। आप सभी एनर्जी कंसल्टेंट होने वाले हैं, बायोफ्यूल कंसल्टेंट, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी संस्था, किसी भी कंपनी की ऊर्जा की जो भी जरूरत है उसको पूरा करेंगे हम। आप उसको कहेंगे क्या चाहिए और वैसे प्रोजेक्ट आप लगाएंगे, और ये कंपनियां फिर उसे वो 5-10-15 जितने पैसे लगते हैं करोड़ वो उसमें डालेंगे, प्रोजेक्ट लगाएंगे, क्योंकि उनके सभी जो पैसे है वो आगे के 1-1.5-2 साल में वापस आने वाले हैं। इतना ही नहीं, ये सभी प्रोजेक्ट्स का ऑपरेशन मेंटेनेंस आगे के 20 साल के लिए वो भी आपके पास रहेगा। यानी प्रोजेक्ट भी आप उनको बेचेंगे, लगाएंगे भी खुद और उसको चलाएंगे भी खुद, वहां का मैनेजर भी आप रखेंगे, वहां को जो चाहिए लोग काम करने के लिए वो भी आप करेंगे। तो इस तरह का आने वाले दिनों में व्यापार बिजनेस हम सबको करना है, और हर एक ऑर्गेनाइजेशन जो आप सोचते हो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे प्रोजेक्ट आने वाले दिनों में लगने वाले हैं। तो हम जब कहते हैं कि हम ऊर्जा में स्वयं पूर्ण होंगे, हम हर हर संस्था को ऊर्जा में स्वयं पूर्ण करने वाले हैं दोस्तों। और हमारी जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है ये भी बहुत डिफरेंट है, ये मार्केटिंग स्ट्रैटेजी एकदम अलग है। यानी आज हमने ग्रामीण जो रॉ मटेरियल की एक स्ट्रैटेजी बनाई है, एक हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बना, हमने मैन्युफैक्चरिंग के लिए अपना एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, लेकिन जब मार्केटिंग की बात होती है तो दोस्तों इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही अलग है। इसकी जो सिस्टम है और आज की जो बनाई हुई सिस्टम, इसका कोई दूसरे के साथ ताल्लुकात नहीं है। आप अगर हिमसेल के फैमिली के मेंबर हो, आप चैनल पार्टनर हो, आप किसान हो, सिंपल आप किधर भी कहीं भी जगह पे काम कर रहे हो, टीम मेंबर्स हो, कुछ भी हो, आप कहीं भी इस एमकोल को प्रमोट कर सकते हैं। और ऐसे जरूरी नहीं कि आप अपने तहसील में उसको करना है, कहीं भी कर सकते हैं, जहां भी आपकी कॉन्टेक्ट हो आप कर सकते हैं, वहां जाके आप कर सकते हैं। क्योंकि ये जो सोल्यूशन है, ये जो प्रोडक्ट है, एक ग्लोबल प्रोडक्ट है, एक ग्लोबल सॉल्यूशन के लिए। आज आपको शायद अंदाजा नहीं, जिस तरह से हम इसको प्रॉपरली अगर अभी मार्केट में रखेंगे पूरी दुनिया में इसकी जरूरत है। सब लोग चाहते हैं कि कोई तो ऐसा प्रोडक्ट बनाए, ऐसे स्केल पे बनाए और हमें दे।
तो आप हर जगह जाके इसको दे सकते हैं। और दोस्तों हमारे पास इतनी पोटेंशियल है, कुदरत ने इस माँ ने इतना कुछ हमें दिया है कि पूरी दुनिया के लिए 30% इतना कोयला हम लोग बना सकते हैं। और ऐसा ही नहीं कि आप सिर्फ नॉर्मल अपना जो सिर्फ कोयले का मार्केट उसको मत देखिए, हर ईंधन को देखिए ना आप, डीजल को देखिए, एफओ को देखिए, हर जगह ये हर तरह की जो ऊर्जा की रिक्वायरमेंट है, ईंधन की रिक्वायरमेंट है, वो पूरी करेगा हमारा एमकोल। वही तो कुदरत करती आ रही है ना हजारों लाखों सालों से, वही हम लोग कर सकते हैं। और जहां तक रेट की बात है ना, बहुत सारी जगह पे तो इतने सस्ते में देने की भी जरूरत नहीं होगी। अगर आप 100 रुपए का डीजल रिप्लेस कर रहे हो तो थोड़ी आप 15 रुपए में दोगे, वो आप बढ़ा के भी दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इस तरीके से हम लोग काम करें। और सोचिए जब हम लोग ये काम करेंगे तो अपने आप हम लोग उस प्रोसेस में जाएंगे, 90% ऑफ द टाइम जो हम दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थे वर्चस्व से आराम से बनेंगे। कुदरत ने इतना कुछ दिया है कि हर गांव में, हर ग्राम पंचायत में एमकोल का प्रोजेक्ट लगने वाला है। तो फिर से हम जो इतने 90% ऑफ द टाइम भारत ने दुनिया का सिर्फ इकोनॉमिकली नहीं हर क्षेत्र में जो नेतृत्व किया है ना, तो आने वाले दिनों में सस्टेनेबिलिटी का, यानी जिंदगी कैसे जीनी चाहिए, इसकी भी नेतृत्व हम करेंगे। और दोस्तों जहां तक आंदोलन की बात है ना, तो ये पेड़, ये वन्य पशु पक्षी, ये हमारे घर जैसे, ये हमारे घर के मेंबर जैसे हम लोग रखते हैं, उनको देखते हैं, ये हमारी परंपरा है। ये जो हमारी धरती माँ हम कहते हैं, ये हमारी परंपरा है, कल्चर है। पूरी दुनिया को शायद अंदाजा भी नहीं है ना आदर्श हमारे राजस्थान में बिश्नोई समाज में करके रखा है। कोई सोच भी नहीं सकता, कोई सोच सकता है कि एक समय 17वें शतक में तब जो जोधपुर का राजा था उसे एक महल बनवाना था, और उसने कहा अपने अपने सभी सैनिकों को कहा कि आप जाइए और वो जो पूरा प्रदेश है उसको अच्छी तरह साफ कीजिए, मुझे वहां महल बनवाना है। और सभी सैनिक चले गए और वहां के जो केजरी के पेड़ है उसको तोड़ने लगे। तभी उस गांव की जो अमृता देवी थी वो आई और उन्होंने कहा कि आप इस पेड़ को नहीं तोड़ सकते। उन्होंने इस पेड़ को आलिंगन दिया और उसको कहा नहीं आप नहीं पेड़ सकते, आप मेरी जान ले सकते लेकिन इस पेड़ को हाथ नहीं लगा सकते। और सिर्फ अमृता देवी नहीं, उसकी छोटी छोटी 3 बच्चियां वो भी आई, उन्होंने अपनी जान दी लेकिन उस पेड़ को काटने नहीं दिया उनके सामने। ये सुनने के बाद आजू बाजू के गांव की कितनी सारी महिलाएं आई, 363 महिलाओं ने अपनी प्राण की आहुति दी, अपने प्राण का बलिदान दिया। पूरे संसार में, पूरे इतिहास में कहीं भी आप जाइए ऐसा एग्जाम्पल आपको कहीं नहीं मिलेगा। कहीं भी जाइए, कोई भी कितना भी बोलता हो पर्यावरण के बारे में, स्थिति के बारे में, जिस तरीके से भारत की संस्कृति है वो संस्कृति पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। और ये हमारा कर्तव्य है, जब हम इस एमसीएल में हमारी फैमिली में काम कर रहे हैं, हमारा कर्तव्य है ये जो धरोहर हमें मिली है, ये जो संस्कृति हमें मिली है उसको आगे लेके जाए, ये बड़ा आशीर्वाद जो हमें मिला है उसको आगे ले जाए, इस परंपरा को बहुत आगे बढ़ाए। और वही करेंगे इस साल, में दुनिया के सबसे बड़ा आंदोलन तैयार करेंगे। जय हिंद, जय हिंद, थैंक यू।